नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल SK जॉब अलर्ट में। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा IT इंस्ट्रक्टर के प्रीवियस ईयर पेपर के सुपर 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनुशासित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। आंसर है सी, शिष्ट। ऊषा शब्द का विलोम शब्द बताइए। आंसर है संध्या, ए। आप लोग शब्द का एक वचन बनाइए। आंसर है डी, आप। नारी शब्द का बहुवचन। आंसर है डी, नारी वृंद। गीदड़ भभकी शब्द मुहावरे का उचित अर्थ। आंसर है बी, व्यर्थ की धमकी। पिक्यूलियर शब्द का सिनोनियम बताना है। आंसर है डी, स्ट्रेंग। वायर्ड शब्द का एंटोनियम बताना है। इसका आंसर है सी, नॉर्मल। ईडियम बताना है होल बैग ऑफ ट्रिक्स। आंसर है डी, एवरीथिंग पॉसिबिलिटी। करेक्ट फ्रेज बताना है शुड द कैंडिडेट्स बी। कहेगा द कैंडिडेट्स शुड बी। आंसर सी। करेक्ट वर्ब द स्टूडेंट ग्रुप डेट एज वॉलंटियर इन सेवरल रूरल एरियाज। आंसर है बी, इज वर्किंग। अभी जीके क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश है जिन्होंने मार्च 2019 में पहला लोकपाल चुना गया। आंसर है बी, श्री पिनाकी चंद्र घोष। कुख्यात चीन भारत युद्ध शुरू हुआ तब चीनी सेना ने डैशन में लद्दाख में और मैकमोहन लाइन पर हमला कर दिया। आंसर है डी, 20 अक्टूबर 1962 को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का क्या नाम है। आंसर है बी, विंग्स ऑफ फायर। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में 1 नवंबर 2017 को पटाखे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आंसर है ए, दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ने में भाग लिया और बाद में अपनी पार्टी जनता दल से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। आंसर है ए, चौधरी देवीलाल। 1966 में हरियाणा की वर्तमान भूमि को डैश नाम से जाना जाता था। आंसर है डी, पूर्व पंजाब के नाम से। किस शासक ने 1290 ईस्वी में हरियाणा में तुगलक वंश की स्थापना की। आंसर है बी, अलाउद्दीन ने। चौथा हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय दिवस महोत्सव फिल्म महोत्सव 13 जनवरी से 17 जनवरी 2019 के दौरान कहां पर आयोजित किया गया था। आंसर है सी, हिसार में। गुमशुदा वाहनों की खोज के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा लॉन्च की गई मोबाइल ऐप का क्या नाम है। आंसर है ए, मैच एंड कैच ऐप। हाल ही में हरियाणा के किस शहर में शहरी स्थानीय निकाय के मंत्रालय में खुले में शौच मुक्त प्लस का दर्जा मिला है। आंसर है सी, करनाल को। आधार कार्ड के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और उनसे संबंधित समस्याओं के हल के लिए हरियाणा सरकार ने डैश जागरूक वैन की शुरुआत की है। आंसर है बी, आधार रथ की। हरियाणा के डैश जिले में एलुमो की 6वीं सहायक उत्पादन इकाई अत्यधिक लिम्ब फिटिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। आंसर है ए, बल्लभगढ़ में।
किस शहर को छोटी काशी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई मंदिर भी हैं? आंसर है बी, भिवानी जिले में। रबी फसलों की बुआई को चिन्हित करने के लिए प्रश्न उत्तर के रूप में निम्नलिखित कौन सा नृत्य किया जाता है? आंसर है सी, लूर नृत्य। साप्ताहिक संदेश के प्रकाशक पंडित नेकीराम शर्मा डैश भी थे? आंसर है सी, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अप्रैल 2017 में हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी विभागों के पुस्तकालयों को डैश द्वारा लिखित पुस्तकों को 5,000 सेट प्रदान किए। आंसर है ए, दीनदयाल उपाध्याय। किस लोकप्रिय कवि के महाकाव्य मुस दस ए दस ओ जगर इलाही की इस्लाम के ऐब और बीतीबे के आधारित एक शोक गीत की रचना की थी जब वे 1870 के दशक के मध्य में साहिबे मेहंदी के निजी नौकर थे? आंसर है डी, उस्ताद हुसैन अली। तो दोस्तों आप देख सकते हो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य से होकर गुजरने वाली निचली शिवालिक पहाड़ियों में विभिन्न छोटे छोटे नालों के पानी में इस्तेमाल की जाने वाली डैश छोटे छोटे बांधों के निर्माण की योजना बनाई है? आंसर बी, 7। हरियाणा को 4 प्रमुख विभागों में विभाजित किया गया है। किस प्रभार में महेंद्रगढ़, पलवल, रेवाड़ी और मेवाड़ शामिल हैं? आंसर है ए, गुड़गांव में। हरियाणा की आधिकारिक भाषा क्या है? आंसर है सी, हिंदी भाषा। हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति के क्या कारण हैं? आंसर है बी, रेत प्रवासन यानी कि सैंड माइग्रेशन। किस प्रभाग में यमुना नगर, पंचकुला, कैथल और कुरुक्षेत्र जिले शामिल हैं? आंसर है डी, अंबाला में। अगस्त 2017 में हरियाणा सरकार के स्थानीय पंचायतों के प्रति गाय डैश की राशि एक बार सहायता की घोषणा की जो भक्त के मवेशियों को आश्रय प्रदान करने के लिए पट्टे पर गोचारण भूमि लेंगे। आंसर है बी, 5,000 रुपये। हरियाणा के विकास और पंचायत मंत्री डैश के लिए एक नया ब्रांड एम्बेसडर लॉन्च करने की घोषणा की है? आंसर है ए, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित उत्पादों के लिए। किस बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद ही राष्ट्रीय उद्यान, वन्य अभयारण्य या किसी क्षेत्र के इमारतों का निर्माण किया जा सकता है? आंसर है बी, राज्य वन्य जीव बोर्ड। डैश जिले में ठोस कचरा प्रबंध संयंत्रों को विकसित करने के लिए हरियाणा सरकार ने JBM पर्यावरण प्रबंधन समूह के साथ हाथ मिलाया है? आंसर है बी, सोनीपत जिले। हरियाणा सरकार ने सिंचाई के लिए 1,00,000 रुपये डैश का लक्ष्य निर्धारित किया है। 1,00,000 नए सौर जल पंप, आंसर है बी, का लक्ष्य निर्धारित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस श्रेणी के अंतर्गत आता है? आंसर है डी, मॉनिटर। जब हम एक कंप्यूटर के में दस्तावेजों पर काम करते हैं तो दस्तावेज का वर्किंग वर्जन डैश में संग्रहित होता है? आंसर है ए, रैम में यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में।
नेफ्थलीन की गोलियां या मौत की गोलियां डैस के कारण कोई ठोस अवशेषों छोड़े बिना समय के साथ घुल जाती हैं। आंसर है बी, उदरपातन के द्वारा। मानवीय आंखों में एक प्रकार का दोष जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं पाता, उसे कौन सा रोग कहा जाता है? आंसर है सी, मायोपिया। खट्टा दूध और दही में कौन सा अम्ल होता है? आंसर है बी, लैक्टिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आंख और चेहरे की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर है डी, फेस शील्ड। मार्च 2019 में आयोजित स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाला पहला भारतीय चैंपियन कौन था? आंसर है बी, साई प्रणीत। भारत पहुंचने वाले प्रथम यूरोपियन अवशेषक और नाविक कौन थे? आंसर है बी, वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल का नाविक था। भोपाल आपदा या भोपाल गैस त्रासदी इतिहास में सबसे खराब रासायनिक आपदा कौन से प्लांट में हुई थी? आंसर है ए, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में डैश के तहत काम करता है? आंसर है ए, संस्कृति मंत्रालय। हरियाणा की विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक कौन थे? आंसर है ए, श्री राव वीरेंद्र सिंह जी। हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को आयरन मैन कहा जाता है? आंसर है बी, श्री बंसी लाल जी को। कौन से राजा हरियाणा में बल्लभगढ़ जिले के अंतिम राजा 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मारे गए थे? आंसर है बी, राजा नाहर सिंह। नवीनतम ग्रीन पीस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला भारत का सबसे प्रदूषित शहर है? आंसर है बी, गुरुग्राम। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा शहर 7 दिसंबर से 23 दिसंबर 2018 के बीच आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 का आयोजन स्थल रहा? आंसर है सी, कुरुक्षेत्र। किस राज्य में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 में अधिक नागरिक भागीदारी के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था? आंसर है ए, हरियाणा। हरियाणा श्रमिक पंजीकरण अभियान हरियाणा राज्य सरकार द्वारा राज्य में डैस को पंजीकृत करने की पहल की ताकि वे विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत लाभ उठा सके? आंसर डी, श्रमिकों के लिए। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत किसान परिवार के लिए क्या पात्रता है? आंसर है ए, हरियाणा का नागरिक होना जरूरी है तथा उसके पास 5 एकड़ तक की भूमि कृषि योग्य भूमि होना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है? आंसर है ए, हरिगंधा। भक्ति भारती हरियाणा के डैस की एक काव्य रचना है? आंसर है बी, तुलसीदास शर्मा दिनेश की। पानीपत में पैदा हुए उर्दू कवि ने हरियाणा के पूर्व स्वतंत्रता युग के दौरान अपनी छाप छोड़ी थी? आंसर है ए, अल्ताफ हुसैन आली ने। बीर बारा बाण वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आंसर है ए, जींद जिले में, जिसे हरियाणा का दिल भी कहा जाता है। शीतला माता का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? आंसर है ए, गुरुग्राम जिले में। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर है सी, भिवानी जिले में।
हरियाणा का कौन सा शहर गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है? आंसर है ए बहादुरगढ़। हरियाणा में डैश की पुरातात्विक भूमि व अवशोषित अधिनियम अवशेष अधिनियम 1858 के तहत राष्ट्रीय विकास घोषित किया गया? आंसर है सी शेख चिल्ली का मकबरा। अगर हरियाणा में एक पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव डैश के भीतर होना चाहिए? आंसर है 6 महीनों के भीतर होना चाहिए। हरियाणा में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? आंसर है बी राज्य के राज्यपाल द्वारा। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर है ए नारनौल में। हरियाणा का कौन सा जिला खनिज संसाधनों में समृद्ध है? आंसर है डी महेंद्रगढ़। भारत की पहली भारत इजराइल कृषि परियोजना हरियाणा के करनाल जिले में स्थापित की गई। इस परियोजना के तहत अच्छी गुणवत्ता के कारण डैश की खेती की जाएगी? आंसर है बी सब्जियों की खेती। WLA लैन का संक्षिप्त यानी फुल फॉर्म क्या है? आंसर है बी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। हरियाणा के कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का नाम उद्यान के भीतर स्थित एक मंदिर के नाम पर रखा गया है। यह मंदिर डैश को समर्पित है? आंसर है डी शिव भगवान को के नाम पर। हरियाणा के कैथल जिले के फरल गांव में निम्नलिखित में से कौन सा मेला लगता है? आंसर है सी फाल्गु मेला। निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ी क्षमता का स्टोरेज डिवाइस है जो एक कठोर केस में रखे गए कई डिस्कों से बना होता है? आंसर है सी हार्ड ड्राइव। बल की मानक अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? बल का है आंसर डी न्यूटन। एक बर्फ के टुकड़े का पिघलना किसका उदाहरण है? आंसर है डी भौतिक परिवर्तन का। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? आंसर है बी 46 गुणसूत्र और 23 जोड़े। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन से आंदोलन का हिस्सा था? आंसर है सी सविनय अवज्ञा आंदोलन का। भोपाल आपदा में निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला गैस रिसाव जिम्मेदार था? आंसर है सी मिथाइल आइसोसाइनेट। पतंग महोत्सव कौन से त्योहार के दौरान मनाया जाता है? आंसर है सी मकर संक्रांति पे। मीताथल जिसे हिंदू या हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी डोमेन के नाम से जाना जाता है हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? आंसर है बी भिवानी जिले में। हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय लोक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर है ए श्री चौधरी देवीलाल जी के द्वारा। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने 1996 में हरियाणा में शराब पर प्रतिबंध लगाने की अध्यादेश पारित किया था? आंसर है सी श्री बंसीलाल जी। हरियाणा का कौन सा जिला स्वच्छ भारत सर्वेक्षण पुरस्कार 2018 में भारत में दूसरे सबसे अच्छे जिले के रूप में शीर्ष पर रहा? आंसर है बी रेवाड़ी जिला। 14 नवंबर 2019 तक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य का कैबिनेट मंत्री कौन है? आंसर है ए श्री अनिल विज।
हरियाणा में नवनिर्मित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कौन से जिले में स्थित है? आंसर है डी, फरीदाबाद जिले में। हरियाणा राज्य औद्योगिक व अवसंरचना विकास निगम ने दो फूड पार्क स्थापित किए हैं, पहला राय सोनीपत जिले में है और दूसरा कौन से जिले में है? आंसर है अंबाला जिले में और साहा शहर में, अंबाला के साहा शहर में। कौन से जिले में प्रस्तावित 22वें एम्स को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया जाएगा? आंसर है सी, रेवाड़ी जिले में। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में एक बाल कवि है और अंग्रेजी भाषा की कहानी द अरब एंड हिज कैमल का अनुवाद किया है? आंसर है बी, मुरारी लाल शर्मा नीरस जी ने। हरियाणा के डैस को हास्य रत्न से सम्मानित किया गया था और उन्हें सबसे प्रसिद्ध हास्य कवि भी माना जाता है जो गाकर कविताएं पढ़ते थे। आंसर है डी, अलहरबी कानेरी। हरियाणा कौन सा लेखक जुबान बुक्स के स्थापक हैं? आंसर है डी, उर्वशी बुटालिया। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? आंसर है बी, कैथल जिले में है सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य। चिल्का झील हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? आंसर है ए, फतेहाबाद में। इनमें से कौन हरियाणा का एक शहर नहीं है? आंसर है डी, भरतपुर। मानव रचना विश्वविद्यालय हरियाणा के डैस जिले में स्थित है? आंसर है सी, फरीदाबाद में। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? आंसर है ए, यमुनानगर में। निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है? आंसर है सी, भारत के राष्ट्रपति। पंचायत के 5 सदस्य डैस द्वारा चुने जाते हैं? आंसर है ए, स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं। हरियाणा की कार्यकारी शक्ति डैस के हाथों में होती है? आंसर है सी, हरियाणा के राज्यपाल के हाथों में। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत हरियाणा के भूखंड प्राप्त करने के योग्य हैं? आंसर है डी, ऊपर के सभी यानी कि अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और बीपीएल परिवार के सदस्य। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की एक रबी फसल नहीं है? आंसर है सी, गन्ना। निम्नलिखित में से एक कॉम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो पूर्णांक बाइनरी संख्याओं पर अर्थमेटिक और बिटवाइज संरचना कर संचालन करता है? आंसर है ए, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी कि ALU। हरियाणा में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले फुलफुले टखने और लंबे स्कर्ट को डैश भी कहा जाता है? आंसर है ए, दामन को। हरियाणा के रोहतक जिले में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का जन्म नहीं हुआ था? आंसर है ए, वीरेंद्र सहवाग का। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आंसर है डी, ऑटोकैड। ये एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, बाकी माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ध्वनि तरंगों को डैश भी कहा जाता है? आंसर है डी, यांत्रिक तरंगे भी कहा जाता है ध्वनि तरंगों को। वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ए, बैरोमीटर का। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए एक आवश्यक शर्त नहीं है? आंसर है बी, ऑक्सीजन।
क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सहायक है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और पानी। किस क्रिकेट खेलने वाले देश ने देहरादून में अपने क्रिकेट इतिहास आयरलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीता? आंसर है ए, अफगानिस्तान ने। अकबर के नवरत्नों का क्या आशय है? आंसर है बी, अकबर के दरबार में 9 असाधारण लोगों का समूह। कन्नड़ भाषा में लिखे सर्वश्रेष्ठ साहित्य रचना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आंसर है सी, पंपा पुरस्कार। हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि ग्रीनलैंड में समुद्र में अधिक ताजा पानी है, इसका क्या कारण था? आंसर है डी, बर्फ और हिम नदियों का पिघलना। 23 दिसंबर 1965 को पंजाब से हरियाणा को अलग करने का एक पहला कदम उठाया गया था। उस दिन टेस्ट संसद में हुकम सिंह समिति के गठन की घोषणा की गई थी, जिसके कारण हरियाणा और पंजाब को अलग कर दिया गया था। डैश हरियाणा राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल है। आंसर है सी, बनावली। इतिहास में पानीपत का एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि यहाँ डैश प्रमुख लड़ाइयाँ हुई थी। ये लड़ाइयाँ प्रमुख मोड़ थे जब हरियाणा के अंतर्गत क्षेत्र और अलग शासक के अधीन आते देखा गया। आंसर है सी, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। हरियाणा सरकार ने डैश महिलाओं अथवा लड़की के लिए आजीवन मासिक पेंशन योजना शुरू की है। आंसर है बी, एसिड अटैक का शिकार। फरवरी 2019 में 6 भारतीय राज्यों में रेणुका बांध परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से उस राज्यों में से एक राज्य नहीं है। आंसर है सी, मध्य प्रदेश। दो हजार 19-20 में निम्नलिखित में से हरियाणा का अनुमानित बजट कितना है? आंसर है 1.32 लाख करोड़ रुपए। किस राज्य ने एक वर्ष की शुरुआत में हरियाणा केंद्र में योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए पुरस्कार जीता है? आंसर है ए, हरियाणा राज्य ने। भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने वाले बाल केंद्र सर्वश्रेष्ठ शूटर का नाम बताइए? आंसर है सी, अनीस बनवाला। हरियाणा का कौन सा शहर हड्डी की नक्काशी और आभूषण के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ए, फरीदाबाद। जाट समुदाय से संबंधित एक महिला के पारंपरिक पोशाक क्या है? आंसर है बी, घाघरी कमीज प्रिंटेड ओढ़नी। वेद व्यास ने किस भाषा में महाभारत काव्य लिखा था? आंसर है बी, संस्कृत भाषा में। मार्च 2017 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा दिए जाने वाले 11 वार्षिक पुरस्कारों के लिए पुरस्कार राशि दोगुनी कर दी। इस कदम का क्या उद्देश्य था? आंसर है डी, उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना। उस प्रसिद्ध लेखक की पहचान करें जिन्होंने भेड़िए के ढंग, संत सिपाही, शंख और शहनाई और देशन में देश हरियाणा जैसी कविताएं लिखी थी। आंसर है बी, उदय बानु हंस। हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी घग्गर कहाँ से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है? आंसर है सी, कालका। हरियाणा में नौरंगाबाद, मिठल, राखीगढ़ी और कई अन्य स्थानों पर उत्खनन में क्या दिखाया? आंसर है सी, ये स्थान हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण दिखाते हैं।
महेंद्रगढ़, नारनौल, गुड़गांव और रेवाड़ी जिलों की कौन सी भाषा प्रचलित है? आंसर है डी, अहिरवती। हरियाणा में मानसून का समय क्या है? आंसर है ए, जुलाई से सितंबर तक। अरावली पर्वत श्रृंखला में उत्तर पश्चिम की छोर से निम्नलिखित में से एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी का नाम क्या है? आंसर है बी, लोसी पहाड़ी। हरियाणा सरकार अति और अधिक संभावित क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों में डैश को अनुमति नहीं देती। आंसर है सी, औद्योगिक इकाइयों में को। मिशन इंद्रधनुष हरियाणा के लोगों के लिए कैसे उपयोगी थे? आंसर है बी, सभी अप्रतिरक्षित और आंशिक रूप से प्रतिरक्षित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रतिरक्षित किया गया। हरियाणा में पक्षी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर है सी, सुल्तानपुर में। हरियाणा में कितने वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है? आंसर है दो। किन शहरों में पानी, हवा और पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई का काम करने के लिए विशेष पर्यावरण मंत्रालय है? आंसर है सी, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में। पेंटा डब्ल्यू का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड वेब वर्म। कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी यूनिट को डैश भी कहा जाता है? आंसर है ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम को शॉर्ट टर्म मेमोरी यूनिट भी कहा जाता है। एक पहाड़ी पर एक कार को धक्का देना डैश का उदाहरण है? आंसर है ए, संपर्क बल का। धातु और अधातु दोनों के गुण वाले तत्वों को डैश भी कहा जाता है? आंसर है ए, उपधातु। विशेष धातु में धातु के और अधातु के दोनों के गुणों से उपधातु कहते हैं। डिंब और शुक्राणु के संलयन को डैश भी कहा जाता है? आंसर है बी, निषेचन। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने 200 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन किए जो दिसंबर एग्ज़ाम में आए हुए थे, तो आपने देख लिया होगा दोस्तों किस प्रकार का लेवल आ रहा है एग्ज़ाम का। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह के हम आगे भी क्वेश्चनों का रिवीजन करते रहेंगे। तो अपने चैनल एसके जॉब अलर्ट पे बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।